इसराइल के तेल अवीव में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, हमास के बनाए बंधकों की रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, शिक्षा बजट में कटौती के विरोध में प्रदर्शन। अमेरिका की मिनेसोटा यूनिवर्सिटी में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया, इसराइल के साथ किसी भी साझेदारी में विनिवेश करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूके और डेनमार्क का आभार जताया, सैन्य सहायता देने पर दोनों देशों को आभार जताया। अमेरिका के कैलिफोर्निया में प्रदर्शनकारी छात्रों और पुलिस के बीच झड़प, इसराइल हमास जंग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। रूस में आई बाढ़ से हालात बेहद खराब, सड़कों पर जलभराव, 3500 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। अमेरिका के अलास्का में एक एयरक्राफ्ट क्रैश, ठंड के जमीन नदी पर क्रैश हुआ फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन एयरक्राफ्ट। इसराइल हमास जंग के 200 दिन पूरे, इसराइली हमले में बेघर हुए लाखों फिलिस्तीनी अब भी टेंट में रहने को मजबूर। मध्य गाजा के रिफ्यूजी कैंप्स में खाना पानी और इलाज जैसी जरूरतों के लिए शरणार्थी तरस रहे हैं, हजारों लोगों ने किया दक्षिण गाजा की तरफ बुलाया। इसराइल हमास के बीच जारी जंग में अब तक गाजा में 34,183 फिलिस्तीनियों की मौत, 70,084 से ज्यादा लोग घायल। इसराइली हमले में अब तक 14,685 बच्चे और 9,670 महिलाओं की मौत, 7,000 से ज्यादा लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका। अमेरिकी संसद ने यूक्रेन, इसराइल और ताइवान को मदद पहुंचाने वाले बिल को पास किया, $95 बिलियन की मदद देगा। इसराइली सेना ने उत्तरी गाजा के बेइत लाहिया शहर को खाली करने का आदेश दिया, IDF ने सोशल मीडिया पर जारी किया आदेश। इसराइली सेना ने अपने आदेश में बेइत लाहिया को बताया खतरनाक वॉर जोन, हमास के इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करने की सैन्य कार्रवाई का हवाला दिया। दक्षिण इसराइल पर गाजा से हमास का रॉकेट अटैक, कई इलाकों में काला धुआं नजर आया। इसराइली सेना ने हमास के 4 रॉकेट को इंटरसेप्ट किया, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। इसराइली सेना ने लेबनान में एक कार पर हवाई हमला किया, हिजबुल्ला के कई सीनियर कमांडर हुसैन अली अजगुल को मार गिराने का दावा। इसराइली सेना ने हिजबुल्ला कमांडर की कार पर हमले का वीडियो जारी किया, हिजबुल्ला ने अपने कमांडर की मौत की पुष्टि की। अमेरिका के मिशिगन यूनिवर्सिटी में फिलिस्तीनी समर्थकों का विरोध प्रदर्शन, कैंपस में प्रदर्शनकारियों ने लगाए टेंट और इसराइल विरोधी बैनर्स। यूक्रेन को $1 अरब की सैन्य सहायता देने को तैयार पेंटागन, राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा सीनेट बिल की मंजूरी का इंतजार।